A police personnel deployed at the world-famous Mahabodhi temple was on Friday killed by a gunshot fired from his carbine that pierced through the head, police said. According to Ashish Bharati, the senior superintendent of police for Gaya, locals found Amajit Yadav, a Havildar of Special Armed Police, lying in a pool of blood when they rushed to the spot upon hearing the sound of firing. The incident took place around 1:40 p.m. Yadav, who hails from Saran district, was walking on a footpath leading towards the shrine to report for duty, he told reporters. It looks like accidental fire, though we hear he was in some stress because of family problems. The matter is being investigated from all angles. Local forensic experts will be assisted by a team from Patna, the SSP said. About 8:40 p.m. दोपहर में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी, तो इस पर तुरंत जो बोधगया मंदिर परिसर में जो हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल BSAP के तथा जिला के जो प्रतिनियुक्त है वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि मुजलिंद तालाब के पास जो BSAP का जो यहाँ पर फोर्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त रहता है उसके जो बैरक है वहाँ से मुस्लिम तालाब के पास जो आने का जो रास्ता है उसी रास्ते पर एक हवलदार अमरजीत कुमार यादव जी वो उनका डेड बॉडी वहाँ पर पाया गया और पाया गया तो उनका हथियार जो कार्बाइन था वो वहीं पे गिरा हुआ था और वहाँ पर गोली चलने के जो अवशेष हैं वो खोखा जो है वो वहाँ से प्राप्त हुआ। अभी तक जो वहाँ पर जो सबसे पहले जो जिन्होंने वहाँ पर पहुँचे थे उनसे भी पूछताछ की गई और जो भी अन्य जो साक्ष्य है उसको देख करके प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि वो अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे, यूनिफॉर्म में जा रहे थे ड्यूटी करने के लिए और इसी क्रम में जाने के रास्ते में उनका संतुलन बिगड़ गया और इसी कारण उसी घटनाक्रम जो उनके ही कार्रवाई से उनको गोली लगी और कुल 4 मौका हमें मिला है और उनके शरीर पर 4 निशान भी पाए गए हैं। हम लोगों ने उनके जो घर है उनके परिजनों को इसके बारे में सूचित किया है और वो आ रहे हैं। यहाँ पर जो FSL की टीम है स्थानीय उसको बुलाया गया है साथ में, लेकिन बैलिस्टिक टीम तथा जो फिंगरप्रिंट के लिए टीम है वो पटना से आ रही है और उसके बाद उसकी भी जांच की जाएगी। CCTV फुटेज का हम लोग वहाँ पर जो मंदिर परिसर में लगा है उसको हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। जो CCTV घटना स्थल के पास नहीं पाया गया वहाँ पे नहीं लगा हुआ था तो उसके जो आसपास का है CCTV उसको हम लोग देखें। रहने वाले कहाँ थे? ये हाजीपुर के रहने वाले हैं और सोनपुर के रहने वाले हैं। कब से यहाँ? ये बिहार स्वाभिमान बटालियन में के ये जवान थे और इनकी ड्यूटी लगातार मतलब जो कंपनी है वो लगातार चेंज होते रहती है। क्या ये हाथों ये पैर के सामने ऐसा ऑटोमेटिक कार्रवाई चल सकती है? देखिए जो